विदेशों तक भी जाते हैं, हम लोग तो केवल देश में ही रहते हैं, कोने कोने में जाते हैं,
लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं देखते हैं कि एक दो दिन तो सब लोगों से बोलना पड़ता है कि ठाकुर जी कीर्तन ताली सेवा करो नाचो, नाचो। लेकिन यहाँ के भक्त कुछ ज्यादा ही धन्य भैया, यहाँ ज्यादा महान हो आप लोग। ऐसे बैठ जाते हैं मानो यहाँ पे टीवी चल रही हो, बैठे बैठे कहानी घर घर की नाटक देख रहे हैं। अरे कीर्तन में आए हो तो कुछ परिश्रम नहीं किया करो, ऐसे नहीं है। उधर नाच लो, यहाँ यहाँ नाच लो, खड़े हो इधर। अरे एक वो वाला भजन है ना उसका, विनोद अग्रवाल का, यमुना के तट पे Yeah.
मकान की शोभा जारी से मकान की शोभा जारी से और बाप की शोभा माली से और ससुराल की शोभा साड़ी से और कीर्तन की शोभा ताली से। भैया जितना देखिए हर जगह अपना अपना महत्व होता है तो कीर्तन में ताली का उतना ही महत्व है, इसलिए सभी ताली सेवा करते बोले एक बार और हाथ उठा के कहते भैया जो जितने ऊपर हाथ उठाएगा वो उतनी जल्दी ऊपर जाएगा। जी के पास बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, तरक्की में जाओगे तरक्की में, ठीक है तरक्की में ऊपर जाओगे। मैंने भी दांत उठा रखे दोनों हाथ उठाने नी ताई गुरुदेव ने बोला कथा सुनेंगे। अभी अभी सुनिए महाराज जी से, अब सब लोग बैठ जाएं, कोई हल्ला गुल्ला ना करेंगे महाराज जी कथा। इन्हें बोलो, इन्हें बोलो तो आप लोग कथा श्रवण करेंगे। आज कैसा हो रहा है, ब्याह शादी में होया करे यहाँ हमारे तरफ गुरुदेव ब्याह शादी में होता है ऐसे जैसे आज यहाँ पे हो रहा है। सब शांत रहो शांत एकदम। माताओं से बताए अभी यहाँ पर महाराज जी आए तो इसको सत्संग होनी रहने दे, इसको सब्जी मंडी ना बनाए। हाँ तो कथा सुन लो। वो भैया कहाँ गए, नाच रहे थे दोनों भैया। इधर आ जाओ, इधर बैठो। ये मेरठ, ये मेरठ से आए, मेरठ से आए, मेरठ में रहते। अरे ये तो इनका बेटा है ना। हाँ इसने सीए किया है, सीए गुरुदेव इसने सीए किया, सीए हाँ सीए है ये। इसको इसको बाहर भी जोड़ बाहर भी जोड़ बाहर हरी बोल हरे कृष्णा। अभी 10 मिनट के लिए सब इधर देखो, मेरी बात सुनो जो मैं कहने वाला हूँ। बच्चे घर में जो निकल कर आ जाओ। हरी बोल भैया, आ जाओ आगे बैठ जाओ, निकल के आ जाओ घरों से। उधर कहाँ जा रहे हो, हरी बोल आ जाओ आ जाओ बैठो थोड़ी देर। हरे कृष्णा, एक बार सभी मेरे साथ साथ बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। जो थोड़ा सा लजाते हैं शर्माते हैं अभी नहीं बोल पाए, एक बार दोबारा बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे अभी प्रभु कीर्तन में आनंद आ रहा था कि नहीं? बहुत। आप देखो प्रायः सभी लोगों की चेष्टा होती है आनंद की खोज की। एक गाय का बछड़ा जब पैदा होता है ना
एक गाय का बछड़ा पैदा होते ही अपनी माँ को स्तनपान करने लगता है, दूध पीने लगता है। एक छोटे से बच्चे को, गाय का बछड़ा जो अभी सद्योजात शिशु है, उसको किसने बताया कि माँ के स्तन से दूध निकलता है? और फिर एक ही नहीं, चार स्तन गाय के होते हैं, सभी में जाकर बारी बारी। हमने खुद ने देखा हमारे जयपुर मठ में, जब गाय थी तो बछड़ा पैदा हुआ, दो स्तन से दूध पिया, फिर उसके बाद में घूम के दूसरी तरफ गया। एक नया शिशु जो पैदा हुआ है उसको भी ये ज्ञान होता है कि हाँ, माँ का स्तनपान करने से दूध निकलेगा, उससे पेट भरेगा, पेट भर के सुख की प्राप्ति होगी, है ना। आप देखो, आप एक बात बताओ मुझे, लाइफ में कुछ गोल होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए। कि आपका, आप क्या करते हो? मैं बीटेक किया है। बीटेक किया है, बीटेक करके क्या कर रहे हो अभी? प्रिपरेशन कर रहा हूँ। प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर क्या करेंगे? जॉब करूंगा। जॉब करके फिर मम्मी का प्लान है शादी करने का। शादी कर मम्मी की तो हो गई, अपनी बताओ। अपनी कोई प्लान नहीं है तो फिर आप देखो, जो भी एफर्ट्स करो, जो भी चेष्टाएं करोगे, देयर बी अ गोल। क्या गोल होगा? कि हम लोग कैसे आनंद में रहे, है ना। मैंने एक जगह पर पढ़ा था, द गोल इज टू लाफ फॉरएवर। सब लोग चाहते हैं ये चीज, द गोल इज टू लाफ फॉरएवर, माने हमें सब समय खुश रहना है, मौज में रहना है, यही चीज चाहते हैं ना। एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा ये क्या नाम है, प्रज्वल, ये एक छोटा बच्चा है ना। आप इसके भी अगर चेष्टाएं देखोगे ना, ये भी जो जो एक्टिविटीज करता है, मानो अपने दोस्तों के साथ में खेल रहा है, इसको खेलने में आनंद लगता है। एक छोटा बच्चा जब माँ की गोद में जब पैदा होता है ना, उसके बाद में उसे अपनी माँ की गोद में आनंद मिलता है। अगर उसको माँ की गोद से कोई दूर ले, कोई अनजान व्यक्ति उसे लेता है, जाना नहीं चाहता, रोने लगता है। क्यों? उसे पता है माँ की गोद में मेरा परम कल्याण है, मुझे इसमें अच्छा लग रहा है, मुझे आनंद मिल रहा है। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसके एज का यदि हो जाएगा ना, तो उस माँ की गोद में और रहना नहीं चाहता, वो चाहता है मैं कैसे खेलूं, कूदूं, भागूं, है ना। और थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको फिर चाहिए साइकिल, साइकिल चलाने में, और थोड़ा बड़ा होगा तो मोटरसाइकिल, है ना। और यदि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब सोचेगा कि यार थोड़ा सा जॉब करनी है, पैसा कमाना है, है ना। तो जॉब वगैरह में सोचता है मैं आनंद प्राप्त करूंगा, पैसा कमाने में, पैसे से सारी लग्जरी आइटम्स आएंगे, उसके जाके मेरे को थोड़ी सी शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, है ना। और जब थोड़ा सा बड़ा होता है, शादी में, जैसे आप बता रहे हो, पति पत्नी में, पत्नी पति में, मैरिड लाइफ में सुख ढूंढते हैं। जब भी आप देखोगे, और थोड़े से यदि बड़े हो जाओ, फैमिली हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों के पालन पोषण में, बच्चों में ही लाइफ में उसी में आनंद खोजने की कोशिश करते हैं। आप देखो ऐसे करते, बूढ़ा बूढ़ा, जब तक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, मर नहीं जाता, उससे पहले भी यही चेष्टा होती है, क्या, कैसे आनंद मिले, है ना। इसलिए बताया, आनंद यदि हमको मिल जाता तो क्या हम और खोजते, क्या हम खोजते? मतलब यहां पर एक चीज का अभाव है, आनंद मिला नहीं है। वी ऑल आर सर्चिंग, ढूंढ रहे हैं, है ना। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो वृद्ध हो, सभी को एक आनंद चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी वृत्ति है, है ना। सभी को मौज में रहना है। किसी ने कभी दुख चाहते हो? कौन कौन है कि ये बोलता है, अरे यार मेरे पास बहुत सारा सुख हो गया है, अब मेरे को थोड़े से दुख चाहिए, भगवान मुझे थोड़े दुख दे दो। किसी ने ऐसी प्रार्थना करी? नहीं करी। हम लोग सब चाहते हैं आनंद में रहना, मौज में रहना, लेकिन खोज रहे हैं, अभी तक मिला नहीं है। खोज रहे हैं, अभी तक मिला नहीं। एक मुझे याद है, जब हम स्कूल में थे, जब छोटे बच्चे थे ना, पांचवी क्लास में, उस समय पर फिफ्थ क्लास भी बोर्ड होती थी, मेरे पेरेंट्स बोलते थे, बोले तुम एक काम करो, पांचवी क्लास बोर्ड क्लास है, बाहर से पेपर आएगा, बोर्ड क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ाई करो। पढ़ाई करी, पांचवी क्लास पास हो गए। बोला अब फिर एट्थ क्लास, एट्थ के बाद में टेंथ, बोले टेंथ क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंथ की मार्कशीट ही सब जगह यूज होती है, टेंथ में अगर अच्छे मार्क्स आएंगे ना तो उससे सब्जेक्ट ऑप्ट करोगे, उसी के हिसाब से सब्जेक्ट मिलेगा, है ना, तो अच्छे से पढ़ाई करो। अब भैया बोर्ड क्लास भी पास हो गई, फिर ट्वेल्थ आ गई, ऐसे ट्वेल्थ होने के बाद में इंजीनियरिंग आ गई, इंजीनियरिंग के बाद में और यदि कुछ पढ़ाई लिखाई ना करी तो भैया चलो नौकरी तो कर, इतनी पढ़ाई लिखाई करी किसके लिए, नौकरी करके पैसा कमा, पैसा भी कमाने लग गए, पैसा कमाया किस लिए, अरे शादी करो, शादी करके परिवार करो, परिवार करोगे तभी जाकर तो पैसे के सदुपयोग होगा, ठीक है भैया। एक व्यक्ति शादी भी कर ली, शादी करके जब व्यक्ति थोड़ा सा वृद्ध हो गया, वृद्ध होते होते भी क्या करा, परिवार पोते नाती में रम गया, लेकिन जब वो मरणासन स्थिति पर पहुंच जाता है, जब अंतिम समय आता है उसका, चार व्यक्ति कंधे पर लेकर जा रहे होते हैं ना, तब उसको एक सत्य बात बोलते हैं, जानते हो क्या, बोले हम जो कह रहे थे ना फिफ्थ क्लास सच है, एट्थ क्लास जो हम कह रहे थे सच है, नहीं, टेंथ इंपॉर्टेंट है, नहीं,
ट्वेल्थ इंपॉर्टेंट है, नहीं, इंजीनियरिंग, पैसा, जॉब, जो कुछ भी हम कह रहे थे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कमाओ कमाओ करो सब चीज करो, कुछ भी जरूरी नहीं था। जरूरी थी तो एक वस्तु जो सबसे लास्ट में बताते हैं, क्या? राम नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य था। जितना टाइम तुमने टेंथ क्लास में दिया, ट्वेल्थ क्लास में दिया, जॉब इंजीनियरिंग में दिया, वो तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं जाने वाला है, कुछ भी नहीं जाने वाला है। क्या जाएगा? तुमको हम सब धोखे दिया था उस समय में, सब तक तुमको धोखे बोल करके, तुमको बोले टेंथ करो ट्वेल्थ करो शादी करो, तुमको धोखा दिया था। अभी तुमको असली बात सुना रहे हैं, उस समय तुमको धोखा दिया था। क्या असली बात सुना रहे? जितने प्रभु राम का नाम कृष्ण का नाम लिया है अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय जो टेंथ ट्वेल्थ शादी बेटा बेटी नाती पोती किए कहते सबको बात झूठा है, बोलते ना अंतिम समय कहते सब तुमने झूठे में बिताया, तेरे साथ में यहाँ से कोई भी नहीं जा रहे, एक सुई धागा भी नहीं जा रही है, और पत्नी और जो चार बहू की आज कथा सुनाए ना, किसको याद है बोल सकते? जिस शरीर को तुमने इतने प्रेम किया हो यहीं पर रह गई, जो पैसा को तुमने इतने कमाई वो भी दूसरे बच्चों को नाम पर ट्रांसफर हो गया, जिस बीवी को तुमने इतने प्यार किया वो तुम्हारी दरवाजा तक जा रही है, लेकिन जिंदगी में तुम जिसको प्रेम नहीं किया, जिंदगी में जिसको तुमने नेग्लेक्ट करके रखा था, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, वही जा रहा है, इसलिए अंतिम समय में इसको